बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईटी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं हूं नदीम अहमद। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद हम सेव कैसे करेंगे, यानी अपने कंप्यूटर की जो सेकेंडरी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क या यूएसबी फ्लैश ड्राइव, उसमें हम उसको सेव कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास तीन तरीके हैं एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के। सबसे पहले तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करता हूँ। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वन है। इस डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना है तो पहला तरीका ये है कि कीबोर्ड से आप कंट्रोल की को प्रेस करके साथ एस प्रेस करें। इससे ये डॉक्यूमेंट देखें आपके पास। अब वो आपसे पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट का आपने नाम क्या रखना है, उसकी टाइप क्या होगी और उसकी लोकेशन क्या होगी। फ़र्ज़ करें कि हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और डॉक्यूमेंट का नाम रखते हैं माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। और फर्स्ट डॉक्यूमेंट सेव करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आप देखें माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से सेव हो चुकी। कहाँ पे सेव हुई है, यहाँ पे देखें आप, ये डेस्कटॉप पे ये माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से मौजूद है। इसको मैं डेल करूँगा अभी। अब दूसरा तरीका जो है वो मैंने आपको बताना है। अब डॉक्यूमेंट वन है तो दूसरा तरीका ये है कि ये क्विक एक्सेस टूल बार, इसको कहते हैं, ये जो है एरिया, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इस पर ये देखें, ये कार्ड का बटन है, इसको सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, सेम वही चीज़ आपके पास आई है, माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। अब आप इसको किसी और लोकेशन पे सेव कर लें, डाउनलोड्स में सेव कर लें, यहाँ से इसको सेव करें। अब देखें, ये माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से सेव है लेकिन अब ये डेस्कटॉप पे नहीं है। अब आप माई कंप्यूटर में जाके यहाँ से डाउनलोड्स के फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट मौजूद है। इसको आप डिलीट कर दें यहाँ से अभी। उसके बाद तीसरा जो तरीका है वो मैंने आपको दिखाना है। तीसरा तरीका ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें, डॉक्यूमेंट देखें, डॉक्यूमेंट वन के नाम से ये मौजूद है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन नज़र आएगा। सेव करेंगे तो अगेन आपके पास वही सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसको माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट नाम दे दें दोबारा और इस दफ़ा फिर आप इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लें। सेव करें, देखें यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का नाम माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया है। इसको क्लोज़ करेंगे तो देखें ये डेस्कटॉप पे माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से ये डॉक्यूमेंट मौजूद है। और फाइल को सेव करने का तरीका ये था, यानी आपके पास तीन तरीके हैं, तीनों में से जो भी आपको पसंद है उससे आप फाइल को सेव कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।